नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी SSSC के द्वारा अभी 3 नोटिस जारी की गई है और तीनों नोटिस में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ खट्टी मीठी खबरें हैं। मैं आपको तीनों नोटिस आपको बताता हूं कि है क्या। एक तो आपका क्या आया है, 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता। ये जो जेई का 2016 का था उसमें बहुत सारे बच्चे प्रोविजनल आ गए थे, करीबन 53 या 58 बच्चे, उनमें से कुछ बच्चों को क्या किया गया है, पिकअप भवन में बुला के उनका DV होगा दोबारा से। दूसरा है कि आपका विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 वीडियो एग्जाम की आंसर की जारी हो गई है, तो आप इस लिंक पे जाके आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा है जो एक नई वैकेंसी आपकी 1262 पदों पे किसके लिए आई थी, आपके जो कनिष्ठ सहायक के लिए आई थी, उसका कट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग जारी कर दिया गया है। तो इसका शॉर्टलिस्टिंग आ गया है और ये मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस दिखा दे रहा हूँ कि इसमें आपके है क्या। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए कि शॉर्टलिस्टिंग में कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, 71.87। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है PET 2021 के, इसके 72 नंबर के बराबर है। इससे पहले इस लेवल की एक परीक्षा जो लेखपाल की हुई थी उसमें 8000 समथिंग पत्ते, उसमें भी 64 गया था। तो आप यहां पे देख सकते हो, इससे उम्मीद लगा सकते हो कि अगर वहां पे 8000 पद के लिए टोटल कितना गया था कट ऑफ 64 समथिंग गया था, और यहाँ पे कितना जा रहा है, स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, कट ऑफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, स्कोर पे ही होता है, परसेंटाइल पे नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपका 72 गया है मान के चलो, तो 8 नंबर का फर्क आया है, लगभग 8 गुना वैकेंसी थी तो 8 नंबर का फर्क आया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इसमें क्या हुए, फॉर्म बहुत कम पड़े हैं, लेखपाल में फॉर्म ज़्यादा पड़े थे, इससे संबंधित हो सकता है। टोटल अगर देखा जाए कितने बच्चों का चयन हुआ है, इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो लगभग 40,000 बच्चे चुने गए हैं। कितने? 40,000 बच्चे। अच्छा, होता क्या है कि 15 गुना थे वैकेंसी, 1200 थी, और 12 गुणे 15 करेंगे तो 15 बढ़ेंगे 180, लगभग आपके कितने होने चाहिए, 18,000 मैक्सिमम बच्चे बुलाए जाने चाहिए। बट आप देखोगे तो 40,000 है ना, 40,000 है, मतलब कि 12 लगभग 30 गुना बच्चे हो जाते हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि ये कट ऑफ के केवल दो ही अंक तक, कितने तक, कट ऑफ के केवल दो ही अंक तक बुलाते हैं, तो और जब आप नॉर्मलाइज आपका स्कोर आता है तो वो 5-5, 6-6 अंक का होता है, तो दो अंक के बाद जितने भी नंबर वाले होते हैं बच्चे सबको बुला लिया जाता है, इसलिए बच्चों को बैठने का थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये फायदा किस बात का, जब वही बच्चा लेखपाल में बैठ रहा है, वही बच्चा आपका वीडियो BPO में बैठेगा, वही बच्चा आपका कनिष्ठ सहायक के 1200 वैकेंसी में बैठेगा, वही 4000 वैकेंसी में बैठेगा, वही तमाम जो अन्य वैकेंसी आएंगी उसमें बैठेगा, तो बच्चा तो एक ही बैठ रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी में 30,000 बैठ रहा है, किसी में 40,000 बैठ रहा है, किसी में 35,000 बैठ रहा है, सेलेक्ट आपस में कितने होंगे, 1262। और ये सिलेक्शन लेने के लिए भी ऐसा नहीं कि सिलेक्ट तुरंत हो जाएंगे कि पेपर देके आए सिलेक्ट हो गए, पेपर पहले होगा, पेपर के बाद आंसर की आएगी, फिर एक साल हो जाएगा रिजल्ट नहीं आएगा, फिर 2 साल ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। कहने का मतलब ये जो आपके 30-40 हजार बच्चे, पहली बात तो आप लाखों बच्चों में केवल 30-40 हजार की जिंदगी दांव पे ले लिए, उस 30-40 हजार में भी आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कुल मिला के 8-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार एक साल में होंगे सारी वैकेंसियों को मिला लिया जाए। बाकी 30 हजार बच्चे 3 साल तक इस आशा में बैठे हैं कि मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये आपके जो अभ्यर्थियों के साथ क्या कर रहे हो, शोषण ही कर रहे हो। और ये केवल एक ही खामी आ जाए, मैं बार बार बोलता हूं कि PET का एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, शॉर्टलिस्टिंग का तरीका इनका बिल्कुल गलत है और आप लोग भी इस पर बिल्कुल अमल नहीं करते हो। यही कारण है कि सरकार भी क्या कर रही है, आयोग भी क्या कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। जो आया है आपके सामने वो आप देख सकते हो, इसमें सबसे कम जो गया है अनुसूचित जनजाति का गया है, महिलाओं का अलग से नहीं है, उनका अपने ही श्रेणी में है, बाकी सबका हॉरिजॉन्टल श्रेणी बना दिया गया है, इसे आप देख सकते हो। सिलेबस में आशीष सर ने आपको पहले भी बता दिया था कि इस बार परिवर्तन है, और सिलेबस की बात कह रहा हूं तो यहां पे आपका जैसे ही आपका जूनियर असिस्टेंट का, कनिष्ठ सहायक का सिलेबस बदला है, सिमिलरली आपका आने वाले जो पद हैं लोअर का हो सकता है PET 2022 से आए, या हो सकता है 23 से आए, अभी कंफर्म नहीं है, ज्यादा चांस है आपका कि 23 से आए, बट ऐसा जरूरी नहीं कि 23 से आए, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हो 2021 वाले PET से 2023 में अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एक साल के लिए वैलिड है, वो कभी भी कर सकते हैं, उसके प्रारूप उसकी वैकेंसी भर सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। तो 22-23 किसी से आए हमें उससे मतलब नहीं है, अभी आप इस बात को समझिएगा। 22 वाले से ही अगर आता है तो फिर क्या, लोअर का भी आपका सिलेबस बदलेगा और सिलेबस के हिसाब से बदलेगा। उसमें यहाँ पे देखो, जैसे इसने पहले क्या था, 130 क्वेश्चन होता था, 65 नंबर का होता था, हिंदी रीजनिंग और GSE होते थे, इसने दो पार्ट को जोड़ा, क्या जोड़ा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, दूसरे उन्होंने जोड़ा कंप्यूटर, और कुल मिला के 35 क्वेश्चन इनको बढ़ाए हैं। टोटल आपके वैसे 130 थे तो 100 क्वेश्चन पे लाया गया है, और 35 क्वेश्चन 100 में से आपके नए हैं उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर है।
थोड़ा बहुत कंप्यूटर अगर करिश सहायक है तो जानना चाहिए, ये बात सही है, बट आप ट्रिपल सी फिर क्यों ले रहे हो, ये बात भी है। खैर सिलेबस तो अब दे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ही, और लगभग सारे ही एग्जाम में आप पढ़ते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन ही नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश अलग से पढ़ना पड़ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश सिलेबस में लगभग सारे एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो उत्तर प्रदेश पढ़ते ही पढ़ते हो, कई जगह कंप्यूटर नहीं पूछता है तो नहीं पढ़ते हो, तो 15 नंबर है और बेसिक ही पूछेगा। कंप्यूटर का सिलेबस भी आशीष सर ने आपको बता दिया है, एक बार चाहो तो आप कंप्यूटर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मेन मेन है और यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब रही बात लोअर में क्या हो, चेंज हो सकता है, तो लोअर में देखो रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं हटनी, सारे सरकारी काम है तो हिंदी भी बिल्कुल नहीं हटना है, सामान्य ज्ञान वो हटा नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश पूछता रहा है उसे अलग से सेक्शन बना सकते हैं, अल्टीमेटली वो कंप्यूटर के भी प्रश्न रखते थे उसका भी सेक्शन बना सकते हैं, या अगर कुछ हेर फेर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, विज्ञान और मैथ्स के प्रश्नों को कम कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि क्या मैथ्स और विज्ञान के प्रश्न बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ रहेंगे, तो ये तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अभी, तो इतना कन्फर्मली मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल मैथ्स हटेगा, बट जो ज़्यादा चांसेस है वो मैथ का वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये आपका अच्छे ग्रेड पे की जॉब है तो थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे पूछा जाना चाहिए, तो मैथ्स आपसे पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जैसा पहले होता था उस हिसाब से उतना वेटेज नहीं होगा, रीजनिंग मैथ्स और साइंस का वेटेज थोड़ा सा कम होगा, जीएस हिंदी कंप्यूटर और जो आपका जीएस हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया इनका क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बट चेंज उसका भी होगा। और अभी बहुत जल्दी अधिवेशन भी आने वाले हैं, आप लोग तैयारी जो कर रहे करते रहे, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात दिमाग में हमेशा खटकती रहती है कि तैयारी करे भी तो कौन करे, इतने बच्चों में केवल 40,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और दावे के साथ कह रहा हूं कि इस 40,000 में कम से कम 5,000 से 6,000 बच्चे वो होंगे जो लेखपाल में कहीं ना कहीं चयनित होंगे, तो 1,262 में वो बच्चे जब तक परिणाम आएगा तब तक वो रिजल्ट देके इनका आंसर देके इनका भी कर दोगे, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग में उनका तो नुकसान होगा ही होगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो कॉमन कट ऑफ के लिए साथ आइए, आयोग जाइए, एक इकट्ठा होके जाइए, बार बार वहाँ पे आयोग पे प्रेशर देंगे, उनके कानों तक बात जाएगी, तो हो सकता है कि इस पे कुछ ना कुछ अमल किया जाए। खैर इसके आगे की वीडियो में मैं जल्द लेके आऊँगा, फिर मिलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।